So I think we are live on this Sunday. Hello everyone, good evening. Welcome to the Sunday live session. I hope you can see me here and my audio is also fine. So please by comment let me know कि आप मुझे देख सकते हैं ठीक से, आवाज़ आ रही है ठीक से, तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट फर्दर द डिस्कशंस एंड आवर टॉक. सो आई होप दैट नाउ वी आर रनिंग लाइव एंड आई थिंक और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं शॉर्टली. सो लेट मोर पीपल कम इन. So hello everyone, good evening and welcome to the Sunday live session on the GU Ecologist. I hope all of you are doing fine. एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए आपको ऑडियो विजुअल ठीक से दिख रहा है, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, तब हम आगे डिस्कशन शुरू करते हैं. तो आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है, आज हमारा एक पहला जो बुक रिलीज है that is officially we are making it on YouTube now. हमारा जो evolution of geographical thought का जो lecture series चल रहा था YouTube पे, उसी से parallel जो एक compilation है in the form of e-book, वो आ चुका है अब, उसको लोग खरीद सकते हैं. तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं details में कि उसमें क्या क्या है और कैसे उसको you can purchase, वो सारी चीज़ें हम अभी discuss करने वाले हैं. तो let more people join in. So hello and welcome to the Sunday Live at GU Ecologist. All right, audio visuals I hope is okay. All right, okay, जैसा कि मैं देख सकता हूँ अब लोग join कर रहे हैं. So hello everyone, welcome to the Sunday Live. In a minute we are going to start the discussion on the book. Hello Lopa, how are you doing? I hope all is good. Exam ki taiyari achhi chal rahi hai aapki. So all my best wishes as usual. Aur aaj hum log jo maine ye e-book banaya hai uske bare mein thoda sa डिस्कस करने वाले हैं सो दैट जिनको भी वो लेना हो उनको पता हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एंड हाउ इट हैज़ बीन प्लान्ड एंड मेड. तो अभी हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे इस पर. सो आई थिंक मीनवाइल मोर पीपल आर जॉइनिंग इन. मैं बुक का विजुअल सेटअप कर देता हूँ अब सो दैट पीपल कैन हैव अ लुक एट दिस बुक. सो आई होप कि अब आपको ये जो बुक है हमारा वो आपको दिखने लगेगा. गुड इवनिंग अपूर्वा, गुड इवनिंग निशांत, थैंक यू सो मच. और अभी जो है मैंने सेटअप कर रहा हूँ इसका सो दैट आपको क्लियरली ये बुक आपको विजिबल हो जाएगा और इसमें क्या क्या चीज़ है और किस सोच के साथ मैंने इसको डेवलप किया है ई बुक. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू. इट्स बिकॉज ऑफ योर डेडिकेटेड सपोर्ट फॉर एज व्यूअर्स और आपकी वजह से मैंने ये स्टेप लिया कि आई शुड गो फॉर एन ई बुक. तो सो दैट इस लॉकडाउन में सबको फ़ायदा हो जाए, जहाँ हार्ड कॉपी से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आजकल, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं लोग. सो थैंक यू लोपा, थैंक यू सो मच. सो हम लोग आज ये ई बुक को ऑफिशियली रिलीज़ कर रहे हैं और अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू द पॉइंट्स दैट इज़ देयर, हाईलाइट्स ऑफ द बुक कैसे इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट दिस. सो पहला चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इस बुक में वो मैंने ये टाइटल में ही लिखा है कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC एंड UGC नेट एग्जाम प्रिपरेशन एंड फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो जो आइडिया है इस बुक को लिखने का वो लार्जर आइडिया यही है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिल सके इस बुक से. गुड इवनिंग शिप्रा, थैंक यू सो मच. सो द लार्जर आइडिया ऑफ दिस मेकिंग ऑफ दिस बुक इज दैट ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से आता है,
पॉइंट वाइज चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत एलैबोरेट नहीं चाहिए होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम सिस्टम में जब हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ते हैं तो उसमें हमें एलैबोरेट आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो एक आइडिया था एक मिडिल पाथ का, कि एक ऐसा काम किया जाए जो एक मिडिल पाथ हो जिसमें दोनों तरह के स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। तो आइडिया ये है कि थोड़ा एलैबोरेटिव भी है, कुछ पॉइंट्स जहाँ पे स्ट्रेस देना है, जहाँ पे थोड़ा एलैबोरेट करना है, और हाईलाइटेड है बहुत सारा पॉइंट्स जो बोल्ड किया हुआ है, रेड मार्क किया हुआ है, सो अंडर कोटेशन मार्क्स किया हुआ है, सो दैट इट कैचेज योर अटेंशन। तो जो पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है ज्योग्राफिकल थॉट में, उस सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बुक। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है किताब का, वो इस तरीके से है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो सिलेबस पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की, उनको भी फायदा हो, क्योंकि उनका जो इमेजिनेशन है वो टेक्स्ट से बाहर नहीं निकलता। काफ़ी बोरिंग लगता है ज्योग्राफी में ये पेपर, खास करके बहुत लोगों को, क्योंकि ये हिस्ट्री की तरह लिखा गया है ज़्यादातर। तो इसको मैंने इस किताब में थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश की है, आउटलुक में एटलीस्ट, कि जो पढ़ेगा उसको विजुअली बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसमें बहुत सारे मैप्स हैं वर्ल्ड के एंड अलग अलग सेक्शंस के, बहुत सारे स्कॉलर्स के जो पिक्चर्स हैं, आप नाम सुनते हैं लेकिन आप रिलेट नहीं कर पाते कि ये कौन है, तो उनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स मैंने आर्काइव से ढूंढ के इसमें डाला है। बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट इमेजेस, डायग्राम्स, ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें इसमें फुल है। तो इससे ये होता है कि एक इमेजिनेशन से जो आपका, जो आप रिलेट करते हैं नॉलेज को, वो इजी हो जाता है। तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए भी आसान हो जाएगा इसको पढ़ के समझना। और दूसरा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंगली पॉइंट वाइज और हाईलाइटेड है, मेजर क्रक्स ऑफ द मैटर डिस्कस्ड है, तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो हिस्टोरिकली, जो आप हिस्टोरिकली या हिस्ट्री में जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए ये बेनिफिशियल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो आगे जाके मास्टर्स एंट्रेंस देंगे, यूजीसी नेट एग्जाम देंगे, उन सारे लोगों के लिए। तो इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है इस किताब को बनाने का, तो यही किया गया है। अब फर्दर मैं इस पर डिस्कस करता हूँ, आगे चलते हैं हम इस बुक में, कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपने तो देखा है कवर पेज है, और ये जो पूरा बुक है वो मेरे जितने भी आपने अभी लेक्चर सुने हैं अभी तक, जो YouTube पे लेक्चर सीरीज है पूरा, ये उसी का कंपाइलेशन है बेसिकली। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर टू द लास्ट लेक्चर, जितनी भी चीज़ें मैंने अब तक आपको बताई हैं लेक्चर्स के थ्रू डिस्कस किया है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो लार्जली जो पर्सपेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो यूपीएससी के सिलेबस में भी है, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे कंपाइलेशन आपको मिलेगा देखने को इस बुक में। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कंटेंट सेक्शन में। तो आपको ये कंटेंट सेक्शन अगर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यू कैन सी दैट लेक्चर वाइज जो है वो कंटेंट डिजाइन किया हुआ है विथ पेज नंबर्स। तो इसमें सारा चीज है, राइट फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर लास्ट, जो आप प्री ग्रीक एंड रोमन टाइम से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, नॉर्मली क्या होता है हम ग्रीक एंड रोमन से ही शुरू करते हैं ट्रेडिशनली जो थॉट पढ़ाया जाता है, बट मेरे हिसाब से प्री एग्जिस्टिंग को जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रीक और रोमन से पहले क्या था, उनके पास कहाँ से नॉलेज आया। सो दैट इज वाई आई हैव डन दिस स्टार्ट फ्रॉम प्री ग्रीक और रोमन वर्ल्ड, सो दैट वी अंडरस्टैंड इन परस्पेक्टिव कि ग्रीक एंड रोमन्स को कहाँ से वो नॉलेज आया और कैसे डेवलप हुआ फर्दर। तो प्री ग्रीक और रोमन से शुरू करके पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो इसका लास्ट लेक्चर है, दैट इज द 33rd लेक्चर। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा कंटेंट है जो आप देख सकते हैं, प्री ग्रीक और रोमन वर्ल्ड, ग्रीक स्कॉलर्स, रोमन स्कॉलर्स, डार्क एजेस इन यूरोप, अरब स्कॉलर्स, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। तो ये आपको दिख जाएगा इसमें सारा का सारा कंटेंट में आप, तो ये कंटेंट पेज यहाँ पे है, और आप जब बुक लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ भी कंटेंट पेज जो है वो डिस्प्लेड है, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके अंदर। तो ये चीज़ है। अब आते हैं बुक के अंदर चीज़ें देखते हैं, जो मैंने टाइटल्स लिए हैं देखे, उसको रिप्रेजेंटेटिव टाइटल्स जो बनाए हैं मैंने, वो करीब करीब इस तरीके से है। तो जो ये आप देख रहे हैं लेक्चर 1 में, प्री ग्रीको रोमन है, प्री एग्जिस्टिंग इज द की, तो एक पॉइंट आता है यहाँ से। फिर आप आगे देखेंगे इसमें, तो सारा जो इमेजेस आपको इसमें दिख रहा होगा वो आपको पॉइंट वाइज हाईलाइट्स, शॉर्टकट्स ऑफ मेमोरी, कैसे याद रखना है उसको, वो दिया हुआ है। मैप्स के साथ इलस्ट्रेशन है। मैप्स के साथ फ़ायदा ये है कि आप मैप को जितना जूम करके चाहें उतना जूम करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैप जो है वो हाई रेजोल्यूशन का यूज़ किया गया है, तो वो आपको एक बेनिफिट हो सकता है वहाँ से, सो दैट आप मैप के साथ ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री को छोड़ के थोड़ा ज्योग्राफिकली थॉट को पढ़ना ज़रूरी है। जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस था ना हमारे को पढ़ने का, वो क्या होता था, बोरिंग हो जाता था बिकॉज ऑफ दिस आइडिया। तो ये जो मैप के साथ जो डिस्कशन है यहाँ पे, इससे आप रिलेट कर पाएंगे टू द प्लेसेस, अपार्ट फ्रॉम खाली टेक्स्ट,
तो मैप्स जैसे है इसके अंदर, और आपको दिखेगा फर्दर जैसे मैं एक स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मैप्स है ऐसे नॉर्मली बहुत सारे मैप्स आपको मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दी हाइलाइटेड टेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा, बहुत सारे हिस्टोरिकल डायग्राम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है, स्केचेस है, इमेजेस है। तो ये जो पूरी बुक है वो लार्जली रिप्रेजेंटेटिव तरीके से बनाया गया है कि आज अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें कहाँ की बात की जा रही है, क्या रिलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो अपार्ट फ्रॉम द हाईलाइट ऑफ द टेक्स्ट, इसमें सारा का सारा डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, और जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं जहाँ जहाँ से इम्पॉर्टेंटली कलेक्ट कर सकता था ऑथेंटिक सोर्सेज से, अल्फाबेट्स जैसे है, नेविगेशन के बारे में है, बाकी और भी जो टॉपिक्स हैं अलग अलग सिविलाइजेशंस के बारे में है, जो हुआ मैप्स का डिस्कवरी और कैसे फर्दर डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको वो सारा चीज़ इसके अंदर मिलेगा। तो जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, ये सबसे पुराना जो क्ले आर्ट, क्ले मैप बनाया गया था उसके बारे में जो था, तो वो सारा चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगा। वो सारा डिस्क्रिप्शन में अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है और हाई रेजोल्यूशन में मैप है, सो दैट आप स्क्रीन पे जब इसको पढ़ेंगे तो लैपटॉप में या फ़ोन में पढ़ेंगे तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं आसानी से, तो उसमें ये इजी होगा। तो ऐसे करके सारे के सारे डिस्क्रिप्शन आप शुरू से लेके लास्ट तक आप देखेंगे एक एक करके, तो आपको सारा वैसा मिल जाएगा। हाईलाइटेड पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, सारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, और उसमें क्या क्या क्रिटिसिज्म है, वो सारी चीज़ें राइट फ्रॉम दी एंशंट टू दी मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न जो फेज़ है, मॉडर्न थीम्स इन ज्योग्राफी, वो सारा का सारा इसमें आपको डिस्कशन में मिलेगा। तो ये है इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था आपको बताना। तो अभी जो है ये चीज़ को मैंने बताया, जो अभी हम वापस आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे और आपसे फिर बात करते हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया वो है कि कैसे इस बुक को देखा गया, मैंने कैसे इसको परसीव किया है कि किस तरीके से होना चाहिए। तो ये आइडिया है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से लेके मास्टर्स के स्टूडेंट से लेके इवन फॉर सम थिंग्स सम इम्पॉर्टेंट, अगर किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है इस तरीके का सोशल साइंसेस में, उसके लिए भी काम आ जाए। बट लार्जर फोकस जो है वो राइट फ्रॉम दी अंडर ग्रेजुएट लेवल टू दी मास्टर्स लेवल, जो एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं आप, प्लस आप जो यूजीसी नेट के एग्जाम देते हैं, फर्दर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, स्टेट सर्विसेज हो या सिविल सर्विसेज हो, जहाँ ज्योग्राफी एक मेजर सब्जेक्ट आता है, जनरल स्टडीज में भी आता है, और एज अ ऑप्शनल अगर कोई सेलेक्ट करके लिखता है यूपीएससी, तो उसके लिए भी फायदा हो। तो ये पर्सपेक्टिव है कि रिप्रेजेंटेटिव बुक हो, इसमें बहुत सारे वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मैप्स, डायग्राम्स जैसे मैंने बताया वो सारा कुछ किया हुआ है। तो ये है एक सेगमेंट ऑफ द वर्क। दूसरा पार्ट जो है कि इस बुक को आप कैसे खरीद सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं, तो आपको पीडीएफ जो वर्जन मिलेगा डाउनलोड करने के लिए, वो मिलेगा कहाँ से वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं अभी सेशन में, वो है कि हाउ टू एक्चुअली बाय दिस बुक। ठीक है, तो अभी इसमें हमको क्या ध्यान देना है कि आप इस किताब को किस तरीके से खरीद सकते हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो अभी जब मैं अभी स्क्रीन पे फोकस करूँगा तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई जस्ट मेक दैट अरेंजमेंट ऑन द स्क्रीन सो दैट आप वो देख पाएँ कि आपको बुक खरीदेंगे तो कैसे आपको ये दिखेगा और कहाँ पे आपको जाना है। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे जो मिथिला क्राफ्ट करके वेबसाइट है, तो उस पे जो आपको दिखेगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपकी, आप कैसे उसको खरीदेंगे फाइनली। तो अब जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको लैंडिंग पेज ये मिलेगा, यहाँ पे आपको बुक मिलेगी। अब ये चीज़ जो है मैं आपको इसमें इसीलिए बता दे रहा हूँ कि आप जब वहाँ पे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एज अ नॉर्मल जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं किसी वेबसाइट पे, तो जाते हैं तो उसमें आपको सारा चीज़ दिखता है, प्राइस कहाँ है, तो आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट ऑप्शन इसमें भी दिखेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है अभी ऐड टू कार्ट, तो ऐड टू कार्ट ऑप्शन में जब जाएंगे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइस भी दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है फर्दर ऐड टू कार्ट पे। एंड जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपके कार्ट में आ जाएगा, फिर आप उस पर जाके क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं फाइनली। एंड देन व्हेन यू चेक आउट द विंडो विल ओपन अप, और यहाँ पे आपको बिलिंग डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि आपको अपना नाम फिल करना है, ईमेल आईडी, जो भी इसमें डिटेल मांगा जा रहा है बस वो आपको फिल करना है। और फिर आपके राइट साइड में जो है वो पेमेंट ऑप्शन वाला विंडो ओपन होता है जहाँ पे कार्ड पेमेंट है। अब एक चीज़ जो है कि लिमिटेशन है आजकल जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं पेटीएम या और भी सोर्सेज, जो गूगल पे, इसमें वो लिमिटेशन है, वो जान के रखा गया है फॉर सिक्योरिटी पर्पस बाय दी यू नो वेबसाइट ओनर्स,
कि उसको भी वो लोग कंफर्टेबल नहीं है ओपन टू करने के लिए, तो वो कोई भी स्टूडेंट जो है अपने पेरेंट्स के कार्ड से ले सकता है या खुद अपना कार्ड हो तो ले सकता है। इसमें कुछ एक ऑप्शंस जो है वो यहाँ दिख रहा होगा कार्ड का आपको, वीज़ा कार्ड होगा, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड या मास्टर कार्ड होता है, मेस्ट्रो कार्ड, वो कार्ड के ऑप्शंस हैं। तो वो कार्ड के ऑप्शंस हैं। अब अगर आपके पास वो कार्ड नहीं है तो एक प्रॉब्लम हो सकता है आपको खरीदने में, बट आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें आपका कार्ड का नंबर डाल के और बाकी जो यहाँ पे MM और YY और CVC है, मतलब मंथ और ईयर जो है वो एक्सपायरी जो होता है कार्ड का वो फिल करना होता है, और उसके बाद लास्ट में जो 3 डिजिट नंबर होता है हर कार्ड में, जो CVC नंबर होता है वो फिल करना होता है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके प्लेस ऑर्डर करना होता है। तो एक प्रॉब्लम हो सकता है बस ये कि जो मैंने बोला, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये पेमेंट वाला जो आपने प्रोसेस देखा है अभी उसकी बात जो मैं कर रहा था। सो वॉट हैपन्स दैट इट कैन बी प्रॉब्लम फॉर पीपल लाइक जिनके पास वो कार्ड का इशू हो पेमेंट का, समटाइम्स दिस हैपन्स। सो वॉट आई एम सेइंग इज बेसिकली कि आप जो है कोशिश करिए कि अपने इनसे आप, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको आपके सामने, मैं विंडो से इसको हटा दे रहा हूँ सो दैट आप, मैं सिर्फ आराम से बात कर पाऊँगा आपसे जो मैंने डिटेल अभी बताया है उसके लिए, ठीक है। ये सारा डिटेल है कि आप कैसे इसको खरीद सकते हैं और किस तरीके से है अप्रोच। अब मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि पेमेंट ऑप्शन कार्ड से ही है तो वो थोड़ा एक लिमिटेशन हो सकता है, बट आई एम श्योर कि आप वो अरेंज कर पाएंगे किसी के थ्रू। अगर आपके पास खुद मेस्ट्रो कार्ड या वीज़ा कार्ड आपका नहीं है, एक किसी ने मुझे कहा था कि रुपे कार्ड है, तो वो थोड़ा हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, बिकॉज जो इन्होंने जो सब्सक्राइब किया है ऑनलाइन पेमेंट का, वो कुछ लिमिटेशंस है उसमें, बिकॉज ऑफ आजकल बहुत सारा सिक्योरिटी आपको पता है इश्यूज चल रहा है कि एक तो लॉकडाउन चल रहा है और ऊपर से ये जो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सिक्योर रखने के लिए ये किया गया है। तो अभी कुछ ही लिमिटेड कार्ड्स में ही ओपन है, तो आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं कि आपके लिए कोई और खरीद दे, आप उसको पेमेंट दूसरे मोड से कर सकते हैं। सो आप थोड़ा सा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट कर सकते हैं, और जिनको और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए मैं अभी पब्लिशर से भी बात करूंगा कि कोई और मेथड हो सकता है क्या, क्या कोई एक फ़ोन नंबर दिया जा सकता है वहाँ पे जिसके बेसिस पे पेमेंट करने के बाद आपको लिंक शेयर कर दिया जाए, या कोई और ऑप्शन हो सकता है। तो मीन वाइल मेरी सजेशन ये है कि आप कोशिश करके, आप वो कार्ड अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास रुपे कार्ड है, वीज़ा कार्ड नहीं है या मेस्ट्रो कार्ड नहीं है आपके कार्ड में जो फैसिलिटी होती है, तो उसको आप थोड़ा सा एक बार के वो देख लीजिए कि आपके सर्कल में कोई है जो आपके लिए वो बुक खरीद के आपको डाउनलोड करके उसको आपको भेज दे और आप उसको दूसरे में मोड ऑफ पेमेंट से कर पाए, तो वो बेटर होगा, बिकॉज क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया गया है और वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अभी पेमेंट में इसीलिए रिस्ट्रिक्टिव है क्योंकि ये छोटा वेबसाइट है, नया प्लेटफॉर्म है जिस पे मैंने बुक अभी पब्लिश किया है, तो इसीलिए ये अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलती है, तो वो जो है थोड़ा एक लिमिटेशन जो है इस पब्लिकेशन में फिलहाल के लिए, वो भी शायद आगे आने वाले टाइम में हो जाएगा ओपन, बट अभी के लिए थोड़ा एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अभी आप थोड़ा सा इस अरेंजमेंट कर लीजिए कि अगर आपके कोई फ्रेंड हैं, पेरेंट्स हैं, जिनके साथ भी आपका है टर्म, जो आपके लिए ये कार्ड का नंबर और वो कर देंगे, क्योंकि उसमें फिर आपको OTP आएगा, OTP आपको इंटर करेंगे तब पेमेंट फाइनल होगा, तब वो डाउनलोड वाला लिंक हाईलाइट होगा, फिर आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड का लिंक हाईलाइट होगा तो एक बार होगा, बस वन टाइम डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा आपको, तो उसके बाद वो विंडो बंद हो जाता है, तो एक बार डाउनलोड करके आप रख सकते हैं। तो जो भी आपके लिए कोई खरीद सकता है, आपका फ्रेंड या कोई और जिसके पास वो कार्ड में हो ऑप्शन, तो उसको आप बोल के आप उससे मंगवा सकते हैं, या अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई और पर्सन जो आपके सर्कल में। सो वही थोड़ा सा एक है इश्यू जो मैं बताने वाला था कि अभी के लिए लिमिटेशन है, जो कार्ड की लिमिटेशन है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मीनवाइल बाकी और कोई इश्यू हो तो जैसा मैंने आपको अपना नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, सो इट्स 9311052969, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उस पर इफ़ यू हैव एनी अदर इश्यूज रिलेटेड टू डाउनलोडिंग ऑफ द बुक और एनीथिंग एल्स, एंड अगर आपको और कोई डिस्कशन जानना हो किसी चीज़ के बारे में तो ये कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लार्जर पिक्चर दैट आई वॉन्टेड टू शो टूडे, जो हमने बुक पे काम किया है, सो आप इस पर कर सकते हैं, और अभी मैं देख सकता हूँ कुछ कमेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड यस अपूर्वा, ये जो मैंने अभी बताया वही एक प्रॉब्लम है जो पेमेंट वाला पार्ट था, तो अभी के लिए थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी जिसके पास भी हो उसके थ्रू, आपको थोड़ा सा ये पेमेंट वाला चीज़ को करना पड़ेगा अगर आपके पास जो कार्ड है वो उसमें एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो,
एक बार और ट्राई कर सकते हैं आप उसी से, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करिए, अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, बट प्लीज़ ट्राई, क्योंकि मैं अभी सिर्फ पब्लिशर्स को बोल ही सकता हूँ, अभी उनके पास भी अगर वो ऑप्शन नहीं होगा तो अभी थोड़ा मुश्किल होगा। सो दिस इज़ दी मेन थिंग। अब आते हैं जो दूसरा पार्ट है आज के सेशन का, वो है जो मैं जो प्रॉमिस किया था कि पहले ये वाला बुक आ गया है, अभी जो नेक्स्ट बुक है उसके बारे में, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले में। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का बुक जो है वो दो वर्जन में आने वाला है, एक जो आने वाला है जो पेपर बैक वर्जन होता है, जिसको आप ऑर्डर करेंगे तो आपके घर में वो प्रिंटेड फॉर्म में जैसे किताब डिलीवर करते हैं वो आएगा। तो वो जो पब्लिश होने वाला है रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला बुक, वो अमेजोन पे होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अमेजोन में ये फैसिलिटी है कि वो आपको प्रिंट करके घर पहुंचा देते हैं किताब। तो एक तो वो प्रिंटेड वाला पेपर बैक वर्जन जो होगा वो अमेजोन पे आएगा। दूसरा जो ये वाला फॉर्मेट है, जो ई बुक फॉर्मेट है, ई बुक फॉर्मेट जो है जैसे ये बुक आया है उसी तरीके से आएगा, लेकिन ई बुक जो है वो नेक्स्ट संडे रिलीज हो रही है। तो पहले ई बुक रिलीज होगा, ठीक है, अगर आपको प्रिंटेड वर्जन चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा अमेज़ॉन पे, जैसे वो अप्रूव हो जाएगा, अमेज़ॉन अपना 2-3 दिन का टाइम लेता है अप्रूवल के लिए, तो हो सकता है संडे नहीं तो ट्यूसडे वेंसडे तक आ जाए, तो वो प्रिंटेड वाला वर्जन आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन लिंक पर। तो वो दोनों लिंक ऑब्वियसली मैं आपको शेयर करूंगा जैसे ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट संडे जो है वो ई बुक, जो ये वाला वर्जन है, इलेक्ट्रॉनिक बुक वाला जो वर्जन है, ये आ जाएगा इसी तरीके से जैसे ये बुक आया है, सेम तरीके से ई बुक भी आ जाएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला फील्ड वर्क वाला जो बुक मैंने बताया था, तो वो आ जाएगा अभी नेक्स्ट संडे को ई बुक फॉर्म में। और जैसा मैंने बोला, पेपर बैक फॉर्म में अगर आपको ऑर्डर करना है तो अमेजोन के लिए थोड़ा सा और 2-4 दिन टाइम लग सकता है, तो आप उसके लिए जो है 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा, हो सकता है आपको जैसे अब अमेजोन से अप्रूवल आ जाता है तो फिर आप ऑर्डर करने के लिए वो ऑनलाइन हो जाता है, तो आप उसको ऑर्डर करेंगे, वो प्रिंटेड फॉर्म में आपको घर पर डिलीवर कर देते हैं अमेजोन वाले। तो यही है, तो नेक्स्ट संडे हम ई बुक रिलीज कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला। तो जिन स्टूडेंट्स को इंटरनेट पे ही ई बुक डाउनलोड करके पढ़ना है किंडल वर्जन में, जैसे आप पढ़ते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके, जैसे ये वाली बुक आज रिलीज हुई है, तो उस फॉर्म में आप संडे को ही डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं अगले संडे इसको आ जाएगा। बट फॉर द मेन बुक जो प्रिंटेड वाला वर्जन होगा, उसके लिए हो सकता है 2 दिन या 1 दिन आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा सा आगे हो सकता है 2 दिन और टाइम लग जाए। सो इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा फॉर द प्रिंटेड वन, एंड ई बुक विल बी देयर ऑन संडे फॉर श्योर। तो अब दोनों में डिफरेंस कैसे है कि ई बुक जो है वो थोड़ा सा 100 रुपया सस्ता मिल जाएगा आपको, रीजन बीइंग कि उसमें प्रिंट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि अमेजोन जो है वो प्रिंटर का जो कॉस्ट होता है वो चार्ज करता है बुक का, तो वो जो बुक होगा पेपर बैक जो होगा वो 100 रुपये तक महंगा होगा इससे, तो वो 100 रुपीज़ का डिफरेंस होगा, बिकॉज वो प्रिंट करके आपके घर डिलीवर करते हैं तो उसका कॉस्ट लेते हैं वो। तो दोनों में फर्क सिर्फ ये रहेगा, ई बुक में आप थोड़े सस्ते में और आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अपने फोन में लैपटॉप में, लेकिन जो प्रिंटेड वर्जन होगा उसके लिए यही है कि कॉस्ट में थोड़ा सा एक ऊपर जाता है वो 100 रुपीज़। तो जैसे मैंने कोशिश की है कि कॉस्ट मिनिमल टू मिनिमम मिनिमल रखा जाए, इस तरह की बुक्स के कॉस्ट में देखता हूँ नॉर्मली मार्केट में इट्स 1000 रुपीज़, 1500 ऐसे रहता है प्राइसेस, तो मैं इसीलिए उसको बस वो 200-250 रेंज तक मैं मैक्सिमम कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट्स किसी भी स्टूडेंट के लिए आसान हो उसको खरीदना। तो इसीलिए ये बुक भी मैंने जो 150 रुपीज़ का जो उन लोगों से पब्लिशर से बात करके कोट किया था, रीजन बीइंग कि ईजी हो किसी के लिए भी खरीदना, तो उसका भी वही रहेगा, बट वही है प्रिंटेड वर्जन में थोड़ा सा ऑप्शन का इशू रहेगा। तो आप अगर प्रिंटेड वर्जन खरीदना चाहेंगे तो वो अमेजोन पे जो आएगा तो उसमें आपको फिर पेमेंट की तो सारी फैसिलिटी होती है, लेकिन ई बुक वाले में फिर एक लिमिटेशन जो होगा वो ये होगा, बिकॉज वो इसी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगा, तो उसका पेमेंट का जो अभी है, मैं आगे बात कर रहा हूँ अगर कोई और तरीका हो सकता है पेमेंट का, तो आज मैं बात कर रहा हूँ पब्लिशर से फिर से, अगर और तरीका कोई हो सकता है जिसमें पेमेंट किया जाए और आपको डाउनलोड लिंक भेज दिया जाए आपके ईमेल पे, या कोई और तरीका हो सकता है तो वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो फिलहाल जो ऑप्शन है वो मैंने आपसे डिस्कस किया आज। सो नेक्स्ट संडे ई बुक फॉर फील्ड वर्क जो बुक है, फील्ड वर्क एंड रिसर्च मेथड्स वाला बुक, उसके लिए ई बुक नेक्स्ट संडे को आ जाएगा पक्का पक्का, और जो प्रिंटेड वाला जो आने वाला है पेपर बैक वाला, वो अमेजोन से अप्रूवल के बाद आपको लिंक भेज दिया जाएगा, और हम इसी प्लेटफॉर्म पे लाइव सेशन में उसको फिर से बात कर लेंगे उसमें क्या है और क्या डिटेल्स है उस किताब की। तो वो बुक ऑलमोस्ट अभी फाइनल एडिटिंग स्टेज में है, तो अभी जल्दी हो जाएगा, मतलब हफ्ता से 10 दिन के अंदर मान के चलो कि वो भी हो जाएगा। सो हफ्ता मीन्स ई बुक तो संडे को ही आ जाएगा, जस्ट अबाउट दैट पेपर बैक वर्जन बुक। सो दैट इज़ द इंटायर थिंग जो मुझे आपसे आज बात करनी थी बुक रिलीज के लिए, एंड थैंक
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड ये जो लिंक है वो आप लोग हर जगह शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चों को लेना हो वो ले सकते हैं। और जो रिसर्च मेथड वाला बुक है वो ओबियसली आएगा, तो नेक्स्ट संडे ई बुक आ ही जाएगा, वो मैं आपको बता ही दूंगा, लिंक शेयर ही हो जाएगा। और पेपर बैक आते ही फिर से मैं आपको दोबारा लाइव सेशन करके मैं पेपर बैक वर्जन के बारे में भी बता दूंगा। तो हो सकता है थोड़ा पहले भी हो जाए, मैं एक एक्स्ट्रा टाइम 2 दिन लेके चल रहा हूँ, हो सकता है कि वो साथ साथ ही हो जाए, हफ्ते भर में ही हो जाए। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि वो भी संडे को ही आ जाए पेपर बैक वर्जन, मतलब ऑनलाइन दिखने लगे वो, कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब ऑर्डर आपके घर पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट डिपेंड्स अपॉन अमेजोन, वो उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तब देखी जाएगी। बट कोशिश रहेगी कि 1 वीक में ये बुक जो है वो आ जाए आपके पास। तो आप जैसा आपका चॉइस हो, आप ई बुक खरीदना चाहें तो आप ई बुक ले सकते हैं संडे को फील्ड वर्क वाला। और ये वाला जो थॉट वाला जो बुक है वो तो ऑलरेडी है अभी अवेलेबल, इसका जो सिर्फ पेमेंट का लिमिटेशन है उसके लिए मैं देखता हूँ अगर कुछ हो सकता है तो। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू नो फर्दर मोर, या आपका कोई और रिक्वेस्ट है जिस पे मैं काम करना शुरू करूँ आफ्टर द फील्ड वर्क बुक इज़ ओवर। तो जो लेक्चर्स अभी अभी कल से शुरू होने वाला है, अब सारा फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर शुरू होने वाले हैं कल से, तो फिजिकल ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स के साथ साथ जो बीच बीच में मैं जो बाकी इकोनॉमिक अर्बन वो सारे लेक्चर्स भी आते रहे, तो अभी कल से फिर से लेक्चर सीरीज एज यूजल शाम को 6 बजे हर दिन एक लेक्चर आने लगेगा, तो उसके लिए आप देख सकते हैं और बाकी लोगों को शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी आर रनिंग आर जर्नी इन दिस लॉकडाउन एंड कोरोना टाइम्स। तो आप लोग सब सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, आपका कोई डाउट होता है तो मेरे से कमेंट करके पूछते रहिए। मेरा नंबर मैं एक बार व्हाट्सएप वाला फिर से ऑफिशियल नंबर आपको बता दे रहा हूँ, 9311052969। अगर आपको कोई डिस्कशन करना है, कोई क्वेश्चन पूछनी है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी बहुत सिंपल है, krishna.geography@gmail.com पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो बाकी सारे जो ज्योग्राफी हैं, ये सब पूर्वा जो अर्बन इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, वो फिजिकल ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा चीज़ है, तो उसके साथ साथ मैं वो भी करता रहूँगा। बट प्राइमरली क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी पेंडिंग में चल रहा है तो वो रहेगा, उसके साथ साथ अर्बन इकोनॉमिक ज्योग्राफी आता रहेगा। बट अभी पहले मैं आपका जो मेन रिसर्च वाला काम है उस पर फोकस कर रहा हूँ, तो उसके बाद ग्रेजुअली वो जैसे मैंने बताया हुआ है कि लेक्चर्स हर टॉपिक पे आएगा, पर थोड़ा सा टाइम, एक ही साथ सब नहीं हो पाएगा, बहुत सारा काम चल रहा है, आई एम वर्किंग डे एंड नाइट आउट। तो कोशिश पूरी है कि मैं पूरी दिन रात काम में लगा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ, तो जितना जल्दी हो पाए। और आप लोग सब सेफ रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारी जानकारी मिल गई हो, और अगर कुछ पूछना हो तो जैसा मैंने आपको बताया आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो ऑल माई बेस्ट विशेज एंड थैंक यू फॉर ऑल द गुड विशेज ऑन द रिलीज ऑफ दिस ई बुक। होप यू एन्जॉय लर्निंग थ्रू इट एंड ऑल माई बेस्ट विशेज, ठीक है। सो थैंक यू एंड अगले संडे को हम जो हमारा अगला ई बुक है जो पेंडिंग है अभी रिसर्च वाला उसको रिलीज करेंगे, उसके लिए हम मिलेंगे लाइव सेशन में और बाकी डिटेल्स के लिए। मीन वाइल आप देख सकते हैं जो हमारा डेली का अपडेट्स होता है। एंड हेलो उत्कर्ष, हाँ जीआईएस के लिए भी मैं रिमोट सेंसिंग जीआईएस पे भी आएगा लेक्चर्स, तो अभी ग्रेजुअली जैसे मैं बता रहा हूँ उसके लिए भी आएगा। तो मीन वाइल जो है वो अभी फिलहाल जो फोकस है, पहले एक एक करके आएगा, ग्रेजुअली मैं सारे पेपर्स कवर करूंगा। तो अभी टारगेट है कि ये फिजिकल ज्योग्राफी वाला लेक्चर्स और अर्बन इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला लेक्चर्स जो है उसको शुरू कर रहा हूँ, वो कंप्लीट जैसे हो जाता है फिर हम जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट आता है जिसमें रिमोट सेंसिंग जीआईएस सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है फॉर श्योर। एंड मीन वाइल आप जो है ये जो अभी आ रहा है लेक्चर्स उसको देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड ऑल माई बेस्ट विशेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।